तो तब्बू, करीना कपूर और कृति सैनन स्टारर फिल्म क्रू फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। और ऑनेस्टली बोलूं तो फिल्म का टीजर मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मेरी फिल्म से जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि ये फिल्म एक एंटरटेनिंग जॉय राइड होगी, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि फिल्म ने मुझे पूरी तरीके से इंप्रेस नहीं किया। फिल्म में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसके बारे में इस सिनेमैटिक रिव्यू में बिल्कुल खुल के बातें होंगी, यानी मैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट बताऊंगा। यहां मैं वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि फिल्म में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जहां मैं रिव्यू की शुरुआत अगर फिल्म के सिनॉप्सिस से करूं तो ये फिल्म तीन एयर होस्टेस के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती है। फिर एक दिन उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट में गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, तो वो किस तरीके से स्मगलिंग का पार्ट बन जाती है, किस तरीके से वो गोल्ड को इधर से उधर करना शुरू कर देती है, और फाइनली लास्ट में क्या होता है, क्या वो एक्चुअली में पकड़ी जाती है या फिर वो स्मगलिंग करने वालों को बिल्कुल एक्सपोज कर देती है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। जहां मैं सबसे पहले अगर फिल्म की स्टोरी और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फिल्म का जो आइडिया है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। उसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि जब भी हमने कोई हाईएस्ट कॉन्सेप्ट पे कॉमेडी फिल्म देखी है, हमने अक्सर देखा है कि उसके अंदर तीन हीरोज पाए जाते हैं। अगर आप गोलमाल या धमाल जैसी फिल्में याद करेंगे तो फर्स्ट चीज जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी कि ऐसी जो कहानियां होती हैं वो तीन चार मेल कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। लेकिन इस फिल्म में वही बात बिल्कुल स्टैंड आउट करती है कि इस फिल्म में जो मेन तीन हीरो हैं वो एक्चुअली फिल्म की हीरोइंस हैं। तो उनके बीच का जो बॉन्ड है, जो कैमराडरी है, जिस तरीके से वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करती हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर वन लाइनर्स मारती हैं, वो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा भी आता है, प्लस एट द सेम टाइम वो चीज आपको काफी नॉवल भी लगती है। प्लस सेकंडली बॉलीवुड का जो एक ट्रेंड रहा है कि जब भी तीन चार हीरोइनों को लेकर कोई फिल्म बनती है तो वो बहुत ज्यादा बोल्ड और बहुत ज्यादा वल्गैरिटी वाले जोन में चली जाती है। हम सभी को पता है कि चाहे वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्म हो या फिर फोर मोर शॉर्ट जैसी वेब सीरीज हो, इन सारी चीजों की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है क्योंकि इन फिल्मों में फेमिनिज्म को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन वही इस फिल्म की यूनिक बात है कि इस फिल्म का फेमिनिज्म से, वुमेन एम्पावरमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक सिंपल सी हाई फिल्म है जिसका जो नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा कॉमिकल है। वही अगर मैं फिल्म की कॉमेडी एस्पेक्ट की बात करूं तो फिल्म की कॉमेडी में कहूंगा डिसेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे जोक्स नहीं है जहां पे आप पेड़ पकड़ पकड़ के हंसेंगे। मोस्टली जो कॉमेडी की गई है वो वन लाइनर्स के रूप में की गई है जिसमें तब्बू का कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। वही अगर मैं फिल्म के सबसे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो वो डेफिनेटली इस फिल्म का फर्स्ट हाफ है। बेसिकली फर्स्ट हाफ इस तरीके से लिखा गया है कि स्क्रीन प्ले नॉन लीनियर फैशन में मूव करता है, यानी फिल्म कई बार प्रेजेंट और पास्ट में स्विच करती है। उसका रीजन ये है कि बेसिकली उसमें गोल्ड की चोरी दिखाई गई है, तो प्रेजेंट में ऐसा दिखाया गया है कि एयर होस्टेस को पकड़ लिया गया है, और पास्ट में ऐसा दिखाया गया कि पूरी चोरी एग्जीक्यूट किस तरीके से हुई। और उस पूरे सीक्वेंस को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि आप ड्रामा में भी इंग्रॉस रहते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्रामा बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है और एक जो स्लाइट थ्रिल वाली फीलिंग होती है वो आप इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने वाले हो। जिसके बाद अब अगर मैं फिल्म के नेगेटिव या फिर अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म का ये है कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत ज्यादा ढीला है। बेसिकली क्रू एक ऐसी फिल्म है जिसको ऐसे प्रमोट किया गया था कि एक आउट एंड आउट कॉमेडी होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप इस फिल्म का ट्रेलर भी देखेंगे तो उसको देखने के बाद आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि इस फिल्म में कॉमिक पंचेस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको बता दूं फिल्म में कॉमेडी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिकली फिल्म की राइटिंग इस तरीके से हुई है कि फिल्म बिट्स एंड पीसेस में तो एंटरटेन करती है, लेकिन फिल्म कॉन्स्टेंटली एंटरटेनिंग नहीं है। यानी इस पूरे दो घंटे की फिल्म में आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स और ऐसे गाने देखने को मिलेंगे जिसको आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसानी से एडिट किया जा सकता था। सेकेंडली फिल्म में जब भी कोई गोल्ड की हाई से रिलेटेड चीज दिखाई जाती है कि सोना किस तरीके से चोरी हुआ, किस तरीके से उसको फ्लाइट में ट्रांसपोर्ट किया गया, किस तरीके से फॉरन पहुंच गया, तो आपको देखने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन वही ऑन द कॉन्ट्रेरी जब तीनों हीरोइंस की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है तो वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग नहीं लगती है। इनफैक्ट फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इस फिल्म के पास जो कहानी थी वो सिर्फ एक घंटे की ही थी, लेकिन उसको अननेसेसरी एक थिएटरल रिलीज बनाने के लिए दो घंटे तक खींचा गया है। सेकेंडली दूसरा मुझे इस फिल्म का सबसे बड़ा लूप होल ये लगा कि जहां मैंने बताया कि इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो डिसेंट है क्योंकि उस फिल्म में कॉमेडी और हाई स्कोर बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है, लेकिन वही जो इस फिल्म का सेकंड हाफ है वो आपको बहुत ज्यादा डम लगता है। बेसिकली सेकंड हाफ की राइटिंग इस तरीके से हुई है कि तीनों एयर होस्टेस एक फॉरेन कंट्री में जाती है और वहां से वो सोना चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पूरे चोरी के सीक्वेंस को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है वो आपको बहुत ही ज्यादा डम और बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगेगा। बेसिकली बहुत बड़ी रॉबरी को काफी ज्यादा आसानी से दिखा दिया गया है और इस वजह से फिल्म अपने क्लाइमैक्स तक आते आते बिल्कुल बिखर जाती है। आई मीन लिटरली फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐसा दिखाया है कि कृति सैनन का भाई इंडिया में रह के पूरे फॉरेन के सिस्टम्स को हैक कर लेता है, प्लस साथ में यह भी दिखाया गया है कि लास्ट में जब तीनों एयर होस्टेस के पास कोई भी पायलट नहीं बचता है तो वो कृति सैनन को जबरदस्ती प्लेन उड़ाने को कहती है और कृति सैनन का कैरेक्टर लिटरली एक किताब के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के प्लेन उड़ा रहा होता है। एंड लास्टली फिल्म में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ का कैमियो भी है, जिसमें दिलजीत दोसांझ का कैमियो मैं डिसेंट कहूंगा, लेकिन कपिल शर्मा को इस फिल्म में पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है। बेसिकली वो तब्बू के हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनका रोल जिस तरीके से लिखा गया है ऐसा लगता है कि इस रोल के लिए कपिल शर्मा की जरूरत ही नहीं थी।
फर्स्ट थिंग, क्योंकि ना ही वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा कॉमिकल है, तो इस वजह से एक कॉमेडियन को इस रोल में कास्ट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इस पूरी फिल्म में कपिल शर्मा का जो कैरेक्टर है वो कहीं भी इंपैक्ट नहीं छोड़ता है। और इसी वजह से मैं फिल्म के डायरेक्शन को भी बिलो एवरेज कहूंगा। मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट पे काफी इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती थी, जिस तरीके की लास्ट वीक की मडगांव एक्सप्रेस थी, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक हाफ बेक प्रोडक्ट है। और इस वजह से क्रू फिल्म का जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है कि ये बहुत ही ठीक ठाक वाली टाइम पास फिल्म है। अगर आपको इस वीकेंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक फिल्म थिएटर में देखनी देखनी है तो ही आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा तो आप कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस को मिस कर देने वाले, तो आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े आराम से इस फिल्म को 2 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, क्योंकि एज अ सेट जितना इस फिल्म का ट्रेलर प्रॉमिस करता था फिल्म उतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है।